So hello students, I hope you will be fine. So today we will start the new exercise, that is exercise 1.B. So last time हम लोगों ने पढ़ा था किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मीन्स हाउ टू राइट अ नंबर इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म और इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन टू नंबर्स एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर्स. ओके, मीन्स हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, दो नंबर दे रखे होंगे, उनकी कंपेरिजन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, और उनकी ऑर्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम दो नंबर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, कि सपोज दैट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में. ओके, सो व्हेनेवर यू विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन योर नोटबुक. जब कभी आप अपना ये वर्क स्टार्ट करेंगे तो क्लास वर्क डालेंगे साइड में, उसके बाद क्या करेंगे, आप ये स्टार को अपनी कॉपी में लिखेंगे जिसमें लिखा है टू कंपेयर द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम द डिजिट ऑन द लेफ्ट इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्लेस वैल्यू. इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करनी है इन दोनों नंबर्स के बीच में, देन विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. नाउ फर्स्ट वी विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ नंबर्स. सो 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर इन दिस नंबर, 4 डिजिट, एंड सिमिलरली हियर इज ऑल्सो 4. बट नाउ वी विल सी विच वन इज ग्रेटर, मीन्स देन वी विल चेक, वी विल काउंट द डिजिट्स, वी विल स्टार्ट we will count the digits from the left side. Okay, now see here, what is the, it's your 1000 place. First give the position. Okay, ones, tens, ones, tens, 100, and it become 1000. Similarly here, ones, tens, 100, and it's your 1000. So now what is the which number is here on the 1000 place, it's your 9, and similarly here is also 9. Now, again, अब भी प्रॉब्लम आ गई कि कैसे कौन सा नंबर बड़ा होगा. पहले क्या थी, 4 डिजिट यहाँ थी बेटा, 4 डिजिट और 4 ही डिजिट यहाँ थी. अब उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9, क्योंकि हमें अब किधर से देखना होता है, लेफ्ट साइड से देखना होता है, ठीक है, इस साइड से. तो यहाँ तो 9 है, तो अब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला. अब उसके बाद हम अगला डिजिट देखेंगे, ये वाला, यहाँ क्या है, 8 है और यहाँ 6 है. मीन्स दिस 8 इज ग्रेटर देन दिस 6. इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज ग्रेटर देन दिस वन. ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो उस वाले नंबर से बड़ा है. आर यू गेट माई पॉइंट? ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी, सो इन दिस वे यू कैन सिंपली कंपेयर बिटवीन द टू नंबर्स. ओके, नाउ व्हाट इज द ऑर्डरिंग, सपोज दैट ऑर्डरिंग के बारे में क्या करें, तो फर्स्ट काउंट द नंबर 1, 2, 5. ओके, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, देन 5 आता है. सो इट्स योर इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस बढ़ते हुए क्रम में. एंड सपोज आई एम सेइंग दैट राइट डाउन द रिवर्स काउंटिंग, 5, 4, 3, 2, 1, देन व्हाट इज दिस वन, इट्स योर डिक्रीजिंग नंबर. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, मींस ये आपका क्या हो गया बेटा, इंक्रीजिंग, और ये आपका डिक्रीजिंग. इट्स योर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट्स योर डिक्रीजिंग ऑर्डर. मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. जबकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. तो अगर मान लेते हैं कि इसे हमें अरेंज करना होता, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए मेरे पास कोई तीन नंबर है, थ्री नंबर्स. ओके, सपोज दैट वी हैव अ थ्री नंबर्स लाइक एज 343, 546, 289. ओके, नाउ अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. सो इट्स योर क्वेश्चन, नाउ इट्स योर आंसर और इट्स द सॉल्यूशन. अरेंज the number
इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, और यू कैन से द डिसेंडिंग ऑर्डर, बट हेयर सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो अब देखें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा. नाउ गिव द डाइस एंड इट राइट डाउन योर आंसर है. तो सबसे छोटा कौन सा है, सी है 343 इज स्मॉलर देन 289. नो मींस 343 इज ग्रेटर देन 289 एंड 546 मींस दिस वन इज ग्रेटेस्ट दिस वन इज स्मॉलेस्ट. सो फर्स्ट वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर 289 देन इट्स योर इंक्रीजिंग ऑर्डर देन 343 देन 546. ओके सो इन दिस वे यू हैव टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. एंड सपोज दैट आपको क्या लिखना होता कि मान लीजिए आपको लिखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे राइट डाउन द नंबर राइट डाउन द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन हाउ विल यू राइट दीज नंबर्स फॉर. ओके descending order, okay, or you can say the decreasing order. Sorry, decreasing or descending order, कुछ भी बोल सकते हैं हम, decreasing or descending order. Okay, so in that case, first you will write down the greatest number, this one, then इससे छोटा कौन सा है बेटा 343, then next is 289. So this is a way of representation of a number means for giving the ordering of the numbers, that is the increasing order as well as the decreasing order. So I hope you got the idea that how to solve the question. Now let's come to the exercise. Okay. So yes, this is your exercise. Okay. Let's take some questions from your exercise also. In question number one, you have to give the comparison between these two numbers. That is C part of question number one. 5515. Here is a box. Okay, and here is 5019. Now you have to tell me that you have to tell me here which number is greater than which number is greater between these two numbers. Okay, now here the 5515, here the 5019, so definitely it will be greater. So जो number बड़ा होगा उसकी तरफ हम किस तरीके का sign लगाते हैं, इस तरीके का, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये close वाला sign हो जाएगा. ठीक है, got it. Now, arrange the number in ascending order. Question number two. In question number two, we are doing the B part here. We will do the B part. Okay. So what we here we have the 5, 6. In question number two, arrange the number in ascending order. Arrange the number in ascending order. Ascending order. Okay. Ascending order. Okay. इसमें क्या करना है, हमें ascending order में लिखना है कि कौन सा number बड़ा होगा. तो हम यहाँ पर कौन सा part कर रहे हैं बेटा, B वाला. So 5, 6, 9, 7 3, 4, 5, 2 5, 6, 3, 4 and 9, 7, 6, 1 and 5, 6, 5, 9. Okay, 5, 6, 5, 9. Now we have to arrange this number, these number in ascending order. Okay, so here is your dash, then gap, then dash, then gap, then dash, then gap. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, now see which one is the smaller, this one, because it's your 3452. अब इससे बड़ा ये हो गया.
इससे ये सबसे छोटा हुआ ना, अब इससे बड़ा क्या होगा? नाउ सी द फाइव देन 5,697, 5,634, 5,659, then this one, 5,634, then इससे बड़ा क्या होगा बेटा? 5,659, then 5,697, and in the end, 9,761, it's your answer. ओके, सो इस तरीके से करना, आई होप यू कैन डू इट. ओके, नाउ इन द सेम वे यू हैव टू अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो इन दैट केस यू विल फर्स्ट यू विल राइट दिस वन, मींस सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. ओके ओके बेटा, थैंक यू.